तो गाइस यहाँ पर देखते हैं मेरा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली रीएक्टिवेट यहाँ पे हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं मेरा जो फोन पे अकाउंट है वो मेरा डिलीट हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है योर अकाउंट इज डीएक्टिवेटेड। अब गाइस अगर आपका फोन पे अकाउंट है गलती से डिलीट हो चुका है, अगर आप उसको फिर से रीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं गाइस? गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। आज मैं आपको पूरा लाइव प्रूफ, आपको पूरा 100% जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ गाइस। और मैं आपको अपना अकाउंट खुद मैं आपको वापस ला के दिखाने वाला हूँ। आपको गाइस ये वाले पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन जाएगा कॉन्टेक्ट सपोर्ट का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे अब गाइस आपको यहाँ पे नीचे मिल जाता है कॉन्टेक्ट यूएस का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे गाइस आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। जो मोबाइल नंबर आपके फोन पे अकाउंट में लिंक था वही मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। चलिए मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई देगा, आपको इस पर टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद आपके यहाँ सबमिट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करना है गाइस। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आपको उस ओटीपी को फिल करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ सबमिट पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। अब यहाँ पे आपको 2-4 सेकंड वेट करना है। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं मैं अपना ओटीपी यहाँ पे डाल दिया हूँ। डालने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना भाषा सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप आता है इनेबल टू लॉगिन, आपको इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पे आ जाता है रीएक्टिवेट अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको दबा देना है। दबाने के बाद अब यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो करेगा। अब यहाँ पे गाइस आपको यहाँ पे अपना लास्ट ट्रांजेक्शन डाल देना है कि इतना का पेमेंट आपने लास्ट किया था। चलिए मैं यहाँ पे डालता हूँ 155 रुपये। अब यहाँ पे आता है नीचे आपको अपने बैंक अकाउंट का नाम डाल देना है। जैसे मेरे यहाँ फोन पे से बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट लिंक था तो मैं यहाँ पे डालता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा। डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आपको अपने अकाउंट का जो बैंक अकाउंट लिंक था उसका लास्ट का 4 डिजिट आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे अपने डिवाइस का नाम डालना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर का लास्ट 4 डिजिट डालता हूँ, यहाँ पर डाल दिया हूँ। डालने के बाद अब यहाँ पे आपको नीचे वाले पे आना है। अब यहाँ पे जो मोबाइल का आपका नाम है, मेरा फोन है वीवो का, तो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। आपको सेंड पर नीचे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको 2-4 सेकंड वेट करना है। वेट करने के बाद तो गाइस यहाँ पर देखते हैं मेरा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली रीएक्टिवेट यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे आ गया अकाउंट सक्सेसफुली रीएक्टिवेट है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है गो बैक, आपको इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आप गाइस फिर से पूरा बैक आना है, पूरा आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइस आपको फिर से अपना यहाँ फोन पे एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, आपको प्रोसेस टू लॉगिन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, आपको अपना ओटीपी डालना है। उस वक्त जो आपका फोन पे अकाउंट है वो आपका लॉगिन हो जाएगा। देख सकते हैं गाइस मेरा जो फोन पे अकाउंट है वो मेरा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। गाइस मैं आपको पूरा लाइव प्रूफ आपको दिखाया हूँ।